राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दमोह आगमन पर मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय निकाय, आवास मंत्री और जनजाति कार्य विकास मंत्री ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंगौरगढ़ के किले के संरक्षण एवं पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। श्री कोविंद ने भूमि पूजन एवं शिला पट्टिकाओं का अनावरण किया। इस दौरान वानगी पुस्तक का भी विमोचन किया गया। आज का दिन अद्भुत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंगौरगढ़ पधारकर इस धरा को धन्य किया है। सिंगौरगढ़ का किला हमारी विरासत है। रानी दुर्गावती ने अपने बेटे की संरक्षिका बनकर बहुत ही बढ़िया सुशासन किया, जिसके लिए हम रानी के चरणों में नतमस्तक हैं, कहा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने। दतिया के हेरिटेज गार्डन में आयोजित अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु महासम्मेलन में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वास्तु और ज्योतिष को अहम विद्या बताया। ज्योतिष के साथ वास्तु के पहलू पर भी विचार करने की उन्होंने बात कही। इससे शंकाओं के समाधान में आसानी होती है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। छात्रों को शंकर साहब पुरस्कार एवं छात्राओं को रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया महिला ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर में चल रही है वॉलीबॉल प्रतियोगिता। लगभग दर्जन भर राज्यों की टीमें ले रही भाग। 8 मार्च महिला दिवस के दिन होगा प्रतियोगिता का समापन। जेपी जौलपुर को 53 रनों से हराकर नरसिंहपुर की टीम पहुंची फाइनल में। सांसद कप लेदरबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में रविवार को नरसिंहपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 227 रन बनाए। जौलपुर जेपी की टीम 174 रन ही बना सकी। अभिषेक पाठक को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। विनायक ग्राम में आयोजित शिव महापुराण के छठवें दिन किया गया शिव विवाह का आयोजन। महिला मंडल द्वारा कराई जा रही है यह शिव पुराण की कथा। इस कार्यक्रम में महंत रामदास जी, समाज सेवी सुधीर कांस्कार सहित बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं एसपी एकादश के बीच महिला क्रिकेट मैच का आयोजन। 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर स्थानीय महात्मा गांधी स्टेडियम में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की महिला टीम के बीच सुबह 9:30 बजे से होगा यह रोचक मुकाबला। काव्य रचना अभिव्यक्ति का हुआ विमोचन। भीगी पलकों से किया गया कवित्री राजकुमारी मिश्रा को याद। देवदरा स्थित निज निवास में हुआ इस कार्यक्रम का आयोजन। अभिव्यक्ति श्रीमती राजकुमारी मिश्रा द्वारा ही रचित काव्य रचना है।